ये व्हाट्सअप गाइस, बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मेरे साथ एक बहुत गंदा हॉर इंसिडेंट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो आज मैं ना अपने रूम के अंदर बैठ के टीवी देख रहा था, लेकिन टीवी देखते देखते जो मेरा रूम का दरवाज़ा है वो अपने आप ही बंद हो गया, जबकि वो खुला हुआ था। एंड मैंने उसके नीचे वो नहीं होता, वो जो नीचे वो एक जगह वो क्या होता है लगा देते हैं और फिर वो एक जगह स्टैंड रहता है, वो लगा रखा था। और डोर बिल्कुल नहीं हिल रहा था उसके पहले एक दो घंटे पहले, लेकिन उसके बाद ही एक दो घंटे बाद वो पता ही एकदम से इतनी तेज भट से बंद हुआ कि ना ही वहाँ मेरे कमरे में कोई हवा चल रही थी, इसलिए कोई खिड़की विड़की यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हवा कैसे आ जाएगी। एंड ना ही कोई विंड चल रही वहाँ पे। एंड ऊपर चेक करवाऊँ तो वहाँ पे मेरे कमरे में तो यहाँ पे पंखा ही नहीं है, और ना ही मैंने एसी चला रखा, ना ही मैंने पंखा चला रखा, ना ही मैंने एसी चला रखा, तो रू और ना ही कोई हवा आ रही। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये डोर अपने आप कैसे हिला। तो ये शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है क्या, कुछ हवा से कुछ हो सकता है क्या, ऐसे खिड़की से कहीं आ गई मुझे पता ना लगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, इसलिए जब मैं डोर के पास गया उसको उसको खोलने वापस से, तो मेरे यहाँ पे गूज बम्स आने गए, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे यहाँ पे मेरे, पता नहीं गूज बम्स से क्यों आ गए। तो शायद ये पैरानॉर्मल कुछ पैरानॉर्मल हुआ है मेरे साथ, क्या कोई ऐसी हवा से हो सकता है क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गाइस छोड़ो यार, अब क्या कर सकते हैं। आई थिंक तो ये पैरानॉर्मल है, कुछ पैरानॉर्मल ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है तो ऐसा कुछ श्रापित हो नहीं सकता। तो आई थिंक तो ये मेरे हिसाब से तो एक वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है गाइस। चलो गाइस, आप बताना कमेंट के अंदर कि इससे क्या रिलेशंस कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं पैरानॉर्मल, कुछ बताना आप कमेंट में। तो चलो गाइस, बाय बाय।